साथियों, जैसे ही आप खजुराहो स्टेशन पहुंचेंगे, खजुराहो स्टेशन से मात्र 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर आपको खजुराहो टेंपल जाने के लिए 20 रुपये में ऑटो मिल जाने वाला है, और वहां से आप जो है ऑटो पकड़ के जा सकते हैं। जो बीच में ये वीडियो आप मूव करते हुए देख रहे हैं, वो खजुराहो टेंपल का मुख्य द्वार है, जहाँ पर आपको एक 25 रुपये की टिकट लेने के बाद आप अंदर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अंदर जाते ही मैंने एक गाइड जो है बुक कर लिया, और गाइड के मदद से आगे के हम लोग जो है कन्वर्सेशन को सुनेंगे। तो यहाँ पे 3 मंदिर है सर? नहीं, 11 टेम्पल है इस कैंपस में। हाँ, 11 टेम्पल है, ये वेस्टर्न ग्रुप कहलाता है। अच्छा, ये वेस्टर्न ग्रुप है। वेस्टर्न ग्रुप में सबसे पहले अपन देखेंगे लक्ष्मण टेम्पल। अच्छा, टोटल ओरिजिनल टेम्पल है। इस टेम्पल की जो नकाशी है टोटल ओरिजिनल है, इसमें रिनोवेशन का काम नहीं किया गया है। अच्छा। सेकंड टेम्पल ये वाला है कंदारिया महादेव टेम्पल। कंदारिया महादेव सबसे लार्जेस्ट टेम्पल, सबसे बड़ा टेम्पल है। कंदारिया शिव जी का टेम्पल है, बाजू में बना हुआ है पार्वती जी का टेम्पल। राइट साइड में दोनों का अलग अलग टेम्पल है। हाँ, सभी के जैसे यहाँ पे शिव जी का है तो पार्वती जी का मिलेगा, जहाँ विष्णु जी का है वहाँ लक्ष्मी जी का मिलेगा, जहाँ शिव के जो आगे नंदी मिलेंगी, इस तरह से पूरा बनाया गया है। यही कंपाउंड है जो वेरी फेमस है, इंडिया के फॉरनर कंट्री में भी फेमस है ये, क्योंकि 1986 में यूनेस्को में आया था। यूनेस्को का ये मतलब होता है कि इंडिया में कम पॉपुलर होता है, विदेशों में ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर विदेशी सबसे ज़्यादा आते हैं। और क्या इंडियन की जो मेंटेलिटी है खजुराहो के प्रति, खजुराहो में कामसूत्र की फिगर है, इस वजह से लोग यहाँ पर फैमिली समेत बहुत कम आते हैं। लेकिन अब मेंटेलिटी बदल गई है, कोरोना के बाद से विदेशी कम आने लगे हैं, इंडियन ज़्यादा आने लगे हैं। विदेशी कम हो गए हैं लेकिन इंडियन ज़्यादा है। आइए पहले अपन लोग सबसे पहले लक्ष्मण टेम्पल देखते हैं। आओ बेटा। तो सभी एक ही राजा ने बनवाए थे क्या? अलग अलग? नहीं, सभी अलग अलग राजाओं ने बनाए थे। इन राजाओं का मैं सबका अलग अलग वर्णन बताऊंगा आपको, किस तरह के राजा ने कैसे बनाए और स्टार्टिंग कैसे हुई इसकी, स्टार्टिंग कैसे हुई, क्या राजा ने क्यों यहाँ पे टेम्पल बनाए, क्यों यहाँ पे पैलेसेस नहीं बनाए, क्यों टेम्पल ही टेम्पल है, ये थोड़ा बैठ के 10-15 मिनट की ब्रीफिंग होगी, उसके बारे में बताएंगे। टेम्पल है, अंदर जब जाएंगे टेम्पल 5 भागों में बटे हुए हैं, अर्धमंडप, मंडपम, महामंडप, अंतरालैंड, गर्भगृह। ये कहलाता है नागर आर्किटेक्चर, जो सेंटर ऑफ इंडिया फेमस है। क्या कई तरह के आर्किटेक्चर होते हैं, एक नागर होता है, एक द्रविड़ियन होता है, एक वेसर होता है, लेकिन सेंटर ऑफ इंडिया में वेरी फेमस आर्किटेक्चर नागर। तो यहाँ पे जितने भी टेम्पल बने हुए सारे नागर आर्किटेक्चर से बने हुए हैं। एंड पंचायतन स्टाइल, पंचायतन मीन्स होता है सभी कॉर्नर पे छोटे छोटे लघु टेम्पल होते हैं जो अलग अलग कॉर्नर पे होते हैं। आपने ताजमहल भी देखा हो, ताजमहल के चारों तरफ भी छोटी छोटी मीनारें बनी हुई हैं। तो क्या है, एक इसका दूसरा कारण था बैलेंस बनाने के लिए, इतना हैवी अपन बेसमेंट रख रहे हैं तो इसका बैलेंस ना बिगड़े, इसलिए चारों तरफ छोटे छोटे टेम्पल बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो टेम्पल बना हुआ पंचायतन स्टाइल इन नागर आर्किटेक्चर। अब आते हैं खजुराहो का। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी से स्टार्टिंग होती है। हेमावती नाम की एक ब्राह्मण पुत्री थी, बनारस की रहने वाली थी, विडो थी, बड़ी खूबसूरत थी। एक बार वो मून नाइट में नहाने के लिए सरोवर में जाती है। जब सरोवर में जाती है तो नहाने लगती है। जब नहाती है तो क्या होता है, वो सोती रात में मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो वो क्या है विदाउट क्लॉथ नहाने लगती है। जब नहाती है तो उसे मून भी एक गॉड होता है, तो वो उसको देखता है। देखने के बाद उसके ह्यूमन रूप में जमीन पर आता है, जमीन पर आकर उसका संभोग करता है। संभोग करने के बाद क्या करता है, जब वापस जाने लगता है तो वो लेडीज उसको अभिशाप देती है कि मैं विडो हूँ, विडो को अगर बच्चे को जन्म दूंगी समाज कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो पलट के उसको वो वरदान देता है कि तुमसे जो पुत्र प्राप्त होगा उससे नए वंश का उदय होगा। तो उससे जो प्रथम पुत्र होगा उसका नाम पड़ा चंद्र वर्मन। चंद्र मीन्स मून से प्रकट होते हैं, यहाँ के जो फाउंडर माने जाते हैं चंद्र वर्मन माने जाते हैं। चंद्र वर्मन का दूसरा नाम था ननुक, ननुक नाम था उनका। लेकिन चंद्र वर्मन चंदेलों राज की डायनेस्टी का स्टार्टिंग चंदेलाओं से हुआ, और चंदेलों के पहले किंग थे चंद्र वर्मन, उसके बाद यशो वर्मन, दंग वर्मन, गंड वर्मन, राहिल, पाहिल, सृष्टि, कई राजा हुए, जिसमें 22 राजाओं ने मिलकर यहाँ पे करीब 85 टेम्पल बनाए थे। 85 टेम्पल में से अभी 25 टेम्पल बचे हुए हैं। 25 टेम्पल को डिवाइड किया गया 3 ग्रुप में, वेस्टर्न, ईस्टर्न, सदर्न। तो जहाँ पर खड़े हुए वेस्टर्न ग्रुप के नाम से जाना जाता है, इसके अंदर करीब 11 टेम्पल हैं। 11 टेम्पल सबसे सुंदर टेम्पल लक्ष्मण टेम्पल है, नाम इसका लक्ष्मण पड़ा है, वह डेडिकेट विष्णु का टेम्पल है, विष्णु की वाइफ लक्ष्मी। तो देखिए सामने जो छोटा टेम्पल देख रहे हैं लक्ष्मी जी का बना हुआ है, लक्ष्मी जी के बाजू में एक वराह का टेम्पल बना हुआ, जो पास चल के देखेंगे वराह मीन्स थर्ड नंबर इनकार्न विष्णु का। विष्णु ने जो अवतार लिए थे, 9 इनकार्नेशन लिए थे विष्णु ने, वो उसमें से थर्ड नंबर का इनकार्नेशन वराह का है, उसको देखेंगे। फिर अपन टेम्पल के ऊपर चलेंगे, राउंड लगाएंगे टेम्पल का, टेम्पल के बाद अंदर चलेंगे, उसके बाद प्लेटफॉर्म का राउंड लगाएंगे।
तो ये टेम्पल को पर्टिकुलर देखने के लिए एक घंटे अपन को लगेगा। ये टेम्पल में देखना क्या चाहते हैं, सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो टेम्पल बन के चारों तरफ जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं उसमें गॉड एंड गॉडेसेस मिलेंगे। सेकंड ये चीज़ मिलेगी, ये चीज़ आई है कि उस समय लोग कैसे रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसी ज्वेलरी पहनते, ये सारा इसमें दिखाया गया है। तो हजार साल पहले अपन कहेंगे लेडीज रिच नहीं हुआ करती थी, उस समय भी लेडीज इस आज से सुंदर कपड़े उस समय पहना करती थी। उस समय आप देखेंगे शॉर्ट कपड़े दिखाए गए हैं, ज्वेलरी आज से ज़्यादा पहनते हुए दिखाई देंगे, फेस किसी का कवर्ड नहीं मिलेगा, हेयर स्टाइल बड़ी सुंदर दिखाई देगी, ज्वेलरी जो शादियों में पहनी जाती उस समय पहनी जाती थी, ये सारा पता चलता है कि हजार साल पहले भी अपने लिविंग स्टाइल आज से ज़्यादा बेटर था। सेकंड, इसमें कामुक मूर्तियाँ आती हैं। कामुक मूर्तियों का कारण अलग अलग राइटर ने अलग अलग लिखा है, लेकिन देवांगना देसाई की एक बुक है उसमें लिखा हुआ है कि हजार साल पहले जो यंग जनरेशन होती थी अधिकतर सोल्जर्स होते थे, लड़ाइयाँ किया करते थे, लंबे समय तक जंगलों में रहना पड़ता था, जंगलों में रहते रहते उनकी मेंटेलिटी क्या हो जाए, उनको लगता था गृहस्थ जीवन मीन्स मैरिज लाइफ कुछ नहीं है, तो मैरिज लाइफ को वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो जंगल में रहते थे, जब रिटर्न वापस आते थे तो सोचते थे शादी नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए फिर से वो जंगल चले जाते थे तपस्या करने के लिए। पे अधिकतर लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, ब्रह्मचर्य के पालन करने का मतलब कि हजार साल पहले लोगों को ये लगता था कि ये सब माया मोह है, कहते थे शादी कर ली कहाँ माया मोह है, कुछ पूजा पाठ कर लो, तो धर्म का ज़्यादा प्रभाव था, लोग धार्मिक ज़्यादा हुआ करते थे, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी प्रभाव था, बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव से लोग ग्रस्त जीवन को छोड़ रहे थे। राजा ने देखा कि अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो कैसे पॉपुलेशन डेवलप होगी, कि आदमी संभोग नहीं करेंगे, बच्चे नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी। तो राजा ने सब सोच विचार के काम किए, उनके जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि अपन धर्म से इसको जोड़ दिया जाए, धर्म से जोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, एक योग और तंत्र क्रियाओं के माध्यम से कम्युनिटी बनाई, जो इन्होंने योग और तंत्र क्रियाओं के माध्यम से चीज़ों को संपन्न किया। संपन्न करने का जब टेम्पल के चारों तरफ कामुक मूर्ति लगाई गई, जब अपन लोग देखने चलते हैं जरूर पूछते हैं आखिर क्यों, उनको बताया जाता है पार्ट ऑफ द लाइफ, जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बगैर मोक्ष नहीं मिलता है, और जीवन में फोर कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। फर्स्ट आता है धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। तो पहले धर्म आता है, धर्म मतलब रिलीजन, आदमी धार्मिक उस समय था, अर्थ मीन मनी प्रॉस्पर्टी पैसा भी कमाना जानता था, थर्ड मीन्स काम, काम मीन्स सेक्स, इससे लोग दूर भाग रहे थे, इसको पूरा करने के लिए टेम्पल के ऊपर कामसूत्र लगा, उसके बाद मोक्ष मिलता है। तो जो बाहर दिखाया गया है ये अपना धर्म अर्थ काम दिखाया गया है कि कॉन्सेप्ट है मोक्ष जाने की, फिर जब अपन टेम्पल के अंदर चलेंगे तो मोक्ष आएगा। तो पहले अपन बाहरी रूप में देखेंगे, बाहर की क्रियाओं को देखेंगे, बाहर के जीवन को देखेंगे, जब इससे मुक्त हो जाएंगे फिर टेम्पल के अंदर चलेंगे, और टेम्पल के अंदर चलेंगे मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जो पांच भागों से डिवाइडेड होता है, अर्धमंडप, मंडपम, महामंडप, अंतरालंड, गर्भगृह, ये अलग अलग प्लेस होते हैं, जो अलग अलग बैठने की जगहें होती हैं, ये पर्टिकुलर बैठने की जगहें होती हैं, कौन लोग कहाँ पर बैठेंगे, कहाँ बैठने से एनर्जी मिलेगी, कहाँ बैठने से आपको योग में मिलेगा, कहाँ बैठने से आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ये सारी क्रियाएं इसमें देखने को मिलेंगी। और एक बेसर वो स्टाइल कहलाती है जिसमें परिक्रमा नहीं होता है, एक में परिक्रमा होता है, इस तरह से भी टेम्पल होते हैं, तो इसमें एक परिक्रमा है, सेकंड टेम्पल देखेंगे उसमें परिक्रमा नहीं है, तो ये अलग अलग स्टाइल के टेम्पल होते हैं जो सेंटर ऑफ इंडिया फेमस होते हैं। सेकंड होता है द्रविड़ियन, द्रविड़ियन साउथ इंडिया फेमस होता है, साउथ इंडिया के टेम्पल आपने देखेंगे उसमें कोई अंतराल गर्भगृह नहीं होता है, ओनली जस्ट गर्भगृह होता है, उसमें पांच भाग नहीं होते हैं, सभी लोग एक ही जगह बैठ के पूजा करते हैं, लेकिन इसमें राजा अलग बैठता है। जैसे आपने देखा सतरथ शैली, रथ कैसा होता है, आपने कोणार्क का टेम्पल देखा हो अगर, तो उसे चक्के लगे हुए रथ की तरह बना हुआ है, तो वो भी सतरथ शैली से बना हुआ है, ये भी सतरथ शैली से बना हुआ है। रथ में क्या होता है कि महावत अलग बैठता है, चलाने वाला अलग बैठता है, राजा महाराजा अलग बैठते हैं, सेवक अलग बैठते हैं, और अन्य पर्सन अलग बैठते हैं, लेकिन एक विमान स्टाइल होता है, जो विमान होता है उसमें सभी लोग एक ही जगह बैठते हैं, तो वो जो बने हुए हैं विमान स्टाइल से बने हुए, ये सतरथ शैली से बने हुए टेम्पल हैं, एंड नागर आर्किटेक्चर से बने हुए, एंड पंचायतन स्टाइल से बने हुए टेम्पल हैं। तो ये सेंटर ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट आता है, साउथ का अलग आता है, ये चीज़ें सब कामसूत के फिगर लगाने का रीजन था, लोगों को समझाना कि पार्ट ऑफ द लाइफ। आज देखिए एक जमाना था कि जब लोग पिक्चरें देखने के लिए बीए पिक्चर जो होती हैं जी कामसूत्र संबंधी लोग छुप के देखा करते थे, बात नहीं किया करते, आज हर किसी के फ़ोन पे देख सकते हैं,
क्यों आदमी अब इससे ऊब गया है। अब आदमी इतना नहीं चाहते हैं जी, क्या जो चीज़ ज़्यादा दिखती है फिर उस पर ज़्यादा क्रेज नहीं रहता है। अब अपन लोग इसमें टॉकिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पहले लोग बात नहीं किया करते थे। तो ओशो आए, ओशो ने एक बुक लिखी जिसमें लिखा उन्होंने संभोग से समाधि की ओर। आप संभोग करने के बाद भी समाधि ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने संभोग कर लिया तो आप मोक्ष नहीं प्राप्त करेंगे, आप संभोग करने के बाद भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट को लेकर टेम्पल को बनाया गया। और टेम्पल सबसे फेमस इसलिए है क्योंकि आज से 1000 साल पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। कैसे इसको बनाया, छेनी हथौड़े से बनाई हुई मूर्तियां हैं। छेनी हथौड़े से इतना बारीक काम करना आज के ज़माने में भी पॉसिबल नहीं है, जो 1000 साल पहले कारीगरों ने बनाया। कारीगर इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने हेयर स्टाइल से लेकर पैर के नाखूनों को तक बड़े सुंदर से बनाया है। और बनाने का पेशेंस देखिए, एक फैमिली ने पूरी लाइफ एक टेम्पल बनाने में लगा दी, पूरी लाइफ फैमिली ने टेम्पल बनाने में लगा दी। इसका मतलब क्या है, उस समय लोग इतने ज़्यादा कोई काम नहीं हुआ करते थे, इसलिए राजा महाराजा क्या करते थे, बिल्डिंगें बनवाते थे जिसमें हजारों लोग काम किया करते थे। जैसे आजकल अपन लोग फैक्ट्री बना देते हैं कि हजारों लोग काम करने लगते हैं, रोजी रोटी चलने लगती है, तो आदमी को मुफ्त का ना खाना पड़े इसलिए टेम्पल बनाए जाते थे, पैलेसेस बनाए जाते थे। लेकिन पीरियड सबका अलग अलग होता था। एक ज़माना था जिस समय टेम्पल ही टेम्पल बने, जो 9th to 11th century की बात है, उस समय ओनली जस्ट टेम्पल ही टेम्पल बने। सेकेंड आता है जो अपना मुगल काल बना है, उसमें आप देखिए पैलेसेस वगैरह सबसे बने, राजपूतों का जमाना उसमें पैलेसेस बने हैं। आज कलयुग है, काल पुर्जों का युग, आजकल टेक्नोलॉजी के लिए आदमी पैलेस नहीं बनवा रहा है, आज लग्जरी गाड़ियां खरीदी जा रही है। कालयुग, काल पुर्जों का युग, जो आजकल पुर्जों से उससे बनाई जा रही है गाड़ियां, तो ये काम चलने लगा है। पहले सरिया सीमेंट ज्यादा यूज नहीं करते थे लोग, मिट्टी से मकानों को बनाते थे जिसमें टेम्परेचर उनका अच्छा रहता था, मोटी मोटी दीवाली हुआ करती थी। यही अपन लोग देखने को चलेंगे, यही सबसे पहले स्टार्टिंग में इसको देखेंगे, इसका राउंड लगाते हुए दूसरे थे। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 and 5 फाइव पार्ट दिखाए गए हैं। ये देखिए पहले भाग को अर्धमंडप, सेकंड को मंडपम, थर्ड को महामंडप, लाइन बैठा अंतराल से जरूर रहे। ये पांच भागों में सभी टेम्पल का आर्किटेक्चर एक जैसा है। इसमें ज़्यादा समय लगेगा, फिर उसमें थोड़ा कम समय लगेगा, फिर और कम समय लगेगा, क्योंकि फिर आगे जाके मूर्तियाँ रिपीट होने लगती हैं। लेकिन जो कामसूत्र के फिगर डिफरेंट है वो आपको ब्रीफ करते हुए चलेंगे। ठीक है, ठीक। देखिए सभी कोने पे छोटे छोटे टेम्पल है, इसे पंचायतन स्टाइल बोलते हैं। अच्छा, चलिए आइए अंदर चलते हैं। क्या होते हैं, गुफा के अंदर तपस्या करते हैं, तो कंदारिया महादेव, महादेव मीन डेड टू शिवा, तो इसलिए इसका नाम पड़ा कंदारिया महादेव टेम्पल। इसका देखिए नीचे प्लेटफॉर्म जो देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म रेनोवेटेड है, बाद में बनाया गया है, ऊपर का स्टेप भी बाद में बनाए गए हैं। देखिए ऊपर त्रिशूल जैसा, जैसे अंदर का जाते हैं त्रिशूल जैसा दिख रहा होगा एक, इसको बोलते हैं मकर तोरण। मकर मीन्स दोनों साइड क्रोकोडाइल बने हुए, तोरण मीन्स आर्च। आज भी अपन मकानों को जब सजाते हैं तो कहते हैं तोरण को सजा दीजिए, तो मकान को सजाने के लिए इस तरह से आर्च बनाई जाती थी। ये टेम्पल भी पांच भाग में बटा हुआ है, देखिए कलश रखे हुए हैं ऊपर। ये पहला छोटा कलश, इसको अर्धमंडप बोलते हैं, ऊपर जाएंगे मंडप बोलते हैं, थर्ड देखिए बड़ा वाला उसको महामंडप बोलते हैं, फिर एक छोटा सा कलश आता है उसको अंतराल बोलते हैं, फिर गर्भगृह बोलते हैं। इस तरह से पांच भाग में बटा हुआ टेम्पल, इसको बोलते हैं नागर आर्किटेक्चर। सारे टेम्पल एक ही आर्किटेक्चर बने हुए हैं नागर में। तो जो कंदा है लक्ष्मण टेम्पल है वो ज़्यादा अच्छा कंडीशन में है, इसमें चलेंगे। लेकिन इसमें खाली ग्राउंड लगा के आप लोग आ जाना, जब उसमें चलेंगे लक्ष्मण में, उसके अंदर ब्रीफ करेंगे आपको। आइए ऊपर चलते हैं, सूजनी निकालना है यहाँ पे, पहले राउंड लगाएंगे। इसमें सब छोटे छोटे शिखर करके पर्टिकुलर एक टेम्पल नहीं है, छोटे छोटे टेम्पल करके बड़ा टेम्पल बनाया गया है। कई छोटे छोटे 84 टेम्पल थे। हाँ, 84 टेम्पल। यहाँ पे देखिए सबसे पहले गणपति जी की आती, सबसे सुंदर आर्किटेक्चर पहले टेम्पल। इसमें टूटी हुई मूर्तियां मिलेंगी, इसलिए ज्यादा माइंड नहीं करना। लेकिन जो सेकंड टेम्पल आपको दिखाएंगे जहाँ पहले गए थे मान लो, वो टोटल ऑडियो से फोटोग्राफी बहुत अच्छी होगी। ये देखिए गणेश जी की है, ये चामुंडा जी की है, चामुंडा जी भी देवी जी की। देखिए पेट के अंदर एक स्कॉर्पियन दिख रहा है, दिख रहा है स्कॉर्पियन दिख रहा है, मतलब डिजायर्ड ऑफ द डेथ, ये देखिए दिख रहा है। चामुंडा देवी क्या होता है, शक्ति की देवी होती है, इनकी सोल्जर्स पूजा करते हैं। सोल्जर्स क्यों पूजा करते हैं, उनको लगता है इनकी पूजा करने के बाद उनको शक्ति मिलेगी, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार सकता हूँ, इसलिए इसमें चामुंडा जी दिखाई गई है। ये वाला कीर्ति मुख कहलाता है, देख रहे हैं, ये कीर्ति मुख है, ये बुरी नजर बचाने के लिए गाया जाता है। आपने देखा है ट्रकों में बसों में लगा होता है, जिसे अपन नजर बट्टू बोलते हैं। तो यहाँ से गया है वो? हाँ, बसों में। ये देखिए यहाँ पे इनका लिविंग स्टैंडर्ड दिखाया गया,
लोग कैसे चलते थे, कैसे इनकी बॉडी लैंग्वेज थी। बड़े लंबे लंबे लोग हुआ करते थे, हाथियों का बड़ा उपयोग हुआ करता था। ये वाला रिनोवेटेड है, ये वाला भाग रिनोवेशन बाद में बनाया गया है। देखिए खजुराहो का जो बुक में सबसे ज्यादा हाईलाइट फिगर है ये वाला है, ये देखिए सामने, इसको बोलते हैं शीर्षासन। इसमें देखिए नीचे लेडीज का सिर नीचे है, पैर ऊपर है, 1, 2 और 3 लेडीज दिखाई, वन जेंट्स दिखाई गया है। इसको बोलते हैं शीर्षासन। शीर्ष मीन्स है डाउन लेग अपसाइड। लेकिन देखिए जो लेडीज है नीचे उसके सर के ऊपर ज्वेलरी सीने के ऊपर है, ना कि सिर के ऊपर है। इससे पता चलता है इसको बनाया ऑन द बेड है, लगा इसको वर्टिकल है। बॉडी के अंदर 7 चक्र होते हैं, चक्र को जागृत करने के लिए योग और तंत्र क्रियाएं की जाती है, जिसमें चक्रों द्वारा 7 चक्र जागृत हो जाते हैं, जिसे कुंडली जागरण कहते हैं। इसके द्वारा जब सेक्स किया जाता है तो आदमी की लिमिट नहीं रहती है, टाइम का कोई संभव नहीं रहता है। योग और कुंडली जागरण के बाद इस तरह की पोस्ट चलती है, इसको शीर्षासन बोलते हैं। स्टार्टिंग देखिए ऊपर से होती है, देखिए लेडीज समझ नहीं रही, उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, नीचे देखिए प्रैक्टिस की जा रही है, फाइनली नीचे आता है। इसमें देखिए योग क्रियाएं भी दिखाई गई है, ये देखिए यहाँ पे लाइट दिख रही है, ये देखिए अनुलोम विलोम का दिखाई है। तो योग क्रिया आज के नहीं, 1000 साल पहले भी योग क्रियाएं हुआ करती थी। ये देखिए सामने एक लेडी सिंदूर लगाती हुई दिखाई दे रही है, दिख रही है ऑनर पे, वो लाइट जा रही है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे मिरर लेके सिंदूर लगाने का फैशन आज का नहीं, 1000 साल पहले लेडी सिंदूर लगाया करती थी। और सिंदूर लगाने का जो ट्रेडिशन है, वो सिंदूर का क्या मतलब होता है, जितना लंबा सिंदूर लगाएंगे पति की उतनी लंबी उम्र होगी, पति की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाया जाता है। 16 सालों मतलब आजकल छोटा छोटा लगाती है, लोग पूछ ही लेते हैं आखिर छोटा क्यों है, तो कहती है मुझे 7 जन्म के लिए पति नहीं चाहिए, अब 1 ही जन्म चाहिए। पहले क्या लेडी अब 7 जन्म के लिए पति को मांगा करती थी, मेरी पति की उम्र यही पति मुझे बार बार मिले, लेकिन आप कहते हैं पति मुझे बार बार नहीं, 1 ही जन्म के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे देखेंगे आप ये ज्वेलरी पहनने का, देखिए आप कमर के ऊपर बॉडी लैंग्वेज देखिए कितना सुंदर बॉडी, देखिए इसके छेनिया तोड़े से बनाई हुई मूर्ति है, पर चेहरे इतने सुंदर नहीं है। ऊपर जाके शिवजी आते हैं, ये शिवजी का टेम्पल इसलिए शिवजी है। बाजू में देखिए एक स्कॉर्पियन थाई के ऊपर चढ़ रहा है, जांग के ऊपर देखिए बिच्छू चढ़ते हुए दिख रहा है, पैर के ऊपर बिच्छू चढ़ा है, लेडीज कपड़े को रिमूव कर रही है। मीट डिजायर्ड ऑफ द सेक्स, हमने गाने सुने होंगे बिच्छू लड़ गया, बिच्छू चढ़ गया, पापी बिच्छू हुआ, तो ये कॉन्सेप्ट आता है कि बिच्छू डिजायर का प्रतीक होता है। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे संभोग करते हुए देखिए कमंडल लिए हुए देखिए हाथ में, और दोनों को पसंद नहीं आता है, आंख बंद कर लेते हैं। ये छोटा टेम्पल जो सामने दिख रहा है ये देवी जगदम्बा का है, देवी जगदम्बा मीन्स पार्वती जी का टेम्पल, क्योंकि बड़ा टेम्पल शिव जी का है, इसलिए शिव जी के बाजू में पार्वती जी का है। ये छोटा जो टेम्पल दिख रहा है ये टेम्पल सिंबल रखा हुआ, चंदेल राजाओं का सिंबल रखा हुआ है, जो वहाँ देखा था आपने, शेर वाला वो बाघ है। हाँ वो वैसे ही बनाए, काल्पनिक है, कोई हुए नहीं। अब देखिए कितना बारीक काम किया गया है, ये देखिए जाली वर्क है, ये छेनिया तोड़े से किया हुआ काम है, मतलब पत्थर में, पत्थर इतना सॉफ्ट होता था जिसे अपन बलुआ पत्थर बोलते हैं। बलुआ पत्थर में जो होता है वो बड़ा सॉफ्ट होता है, वो दूसरे स्टोन होता है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट वेरी हार्ड होता है, सैंड स्टोन का बना हुआ है, बलुआ पत्थर का बना हुआ है। ये नीचे वाला प्लेटफॉर्म पूरा रिनोवेटेड है, ऊपर का सब ओरिजिनल है, एक टोटल ऊपर का ओरिजिनल है, लेकिन चेहरे इतने अच्छे नहीं है। मैं पहले जो दूसरा टेम्पल दिखाएंगे उसमें चेहरे बहुत अच्छे रहेंगे। अब देखिए एक खास बात और देखेंगे आप, इसमें ड्रैगन दिख रहे होंगे पैर कॉर्नर में, हर कॉर्नर में ड्रैगन जैसे दिख रहे हैं। ड्रैगन हर कॉर्नर में जो ड्रैगन दिखाई गए इसको बोलते हैं शार्दूल। आपको एक जगह नहीं, सारी जगह यही इस तरह की मिलेंगी, इस तरह के मिलने के मतलब डिजायर ऑफ द डिजायर ऑफ द मैन, आदमी के अंदर इतनी इच्छाएं होती हैं कि आदमी जन्म लेता है। देखिए पैर के पास लड़ते हुए दिखाई दे, लड़ते लड़ते मुंह के पास पहुंच जाता है, आदमी पूरी लाइफ अपनी इच्छाओं से लड़ता रहता है, मर जाता है, परीक्षाएं कभी खत्म नहीं होती है। इसको बोलते हैं शार्दूल, आपको एक जगह नहीं हर जगह मिलेगा। बेटा नीचे आ जाओ, गिर जाओगी। हाँ।
काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बुक्स वगैरह सबसे हाईलाइट फिगर है, ये देखिए सामने मिडिल में 1, 2 और 3 थ्री पोस्टर दिखाए गए हैं, नीचे वाला अलग है, मिडिल वाला अलग है, ऊपर वाला अलग है। तीनों पोस्टर में देखिए डिफरेंट क्या दिख रहा है, इसमें कलर का डिफरेंट, बीच में कलर नॉर्मल है, मिडिल वाला कलर देखिए रेड पड़ रहा है, ऊपर वाला येलो, तीनों कुछ कलर लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि आदमी की बॉडी लैंग्वेज को बताने की कोशिश करके ड्यूरेट अंदर से आदमी की बॉडी कैसे कन्वर्ट होती है, जब किसिंग करता है देखिए बॉडी बना रही है, एक्साइटेड नहीं हो रही है, जहाँ एक्साइटेड होता है देखिए बॉडी रेड पड़ जाती है, चिकनी पड़ गई है, जहाँ डिस्चार्ज होता है बॉडी येलो पड़ जाती है, पीली पड़ गई, देखिए पीछे बैक साइड में रिंकल्स दिखाई दे रहे हैं, ऊपर देखिए संभोग कर रहे हैं, बैक साइड में संभोग करते हुए दिखाई दे रहा है, तो देखिए वो लेडी नाराज हो रही है। तीनों 1, 2 और 3 पोस्टर डिफरेंट दिखाए गए हैं। यहाँ पे देखिए एक इतना सुंदर फिगर है, दोनों आपस में टॉकिंग करते हुए दिखाई, पर लेडी एक्साइटेड होकर कपड़े को रिमूव कर रही है। यहाँ पे देखिए ये संभोग करते हुए, लेकिन मैन देखिए उसको सपोर्ट कर रही है लेडीज मैन को, मतलब उस समय क्या होता था जो राजा ये जो लोकल लोग होते थे अधिकतर सोल्जर्स हुआ करते, लड़ाइयाँ करते करते वो उनकी मेंटलिटी रहती थी ये बेकार की चीज़ें हैं, और लेडीज घर पर रहती तो इस तरह से उनको एक्सप्लेन किया गया दिखाया गया। अलग अलग मूर्तियों के कलर के अलग अलग मीन्स है। हाँ यहाँ पे देखिए थाई के ऊपर स्कॉर्पियन चढ़ रहा है, लेडीज देखिए कपड़े को रिमूव कर रही है, डिजायर्ड ऑफ द सेट, गाने सुनेंगे बिच्छू लड़ गया बिच्छू पापी बिच्छू हुआ। उसके बाद कार्तिकीय दिखाया गया, देखिए हंस उनका बैठा हुआ है। यहाँ पे देखिए लेडीज के हाथ में पैरेट और मैंगो लिए, पैरेट और मैंगो लेने का मतलब कॉल्ड इज ए नगर वधु, उसको नगर वधु बोलते हैं, वो दिखाया गया। उस समय क्या होता था पैरेट अगर आपके हाथ के ऊपर है और मैंगो लिए हुए हैं तो इसका मतलब ये प्रस्टिट्यूट है, नगर वधु है। आजा बाबू, एक कॉर्नर वाला ये थोड़ा इधर से इधर जाएंगे, एक कोने में देखिए बड़ा कितना सुंदर फिगर है, किसिंग करते हुए दिखाई दे रहा है, पर देखिए बॉडी लैंग्वेज देखिए कितना सुंदर दिखाई दी है। यहाँ पे देखेंगे हर लेडी जैसे वाइल्ड लेडी पेंटिंग करते हुए दिखाई, पर बॉडी लैंग्वेज देखिए कितना सुंदर, दुपट्टे वगैरह ज्वेलरी वगैरह, इस लक्ष्मी जी का है, ऊपर पार्वती जी का है, फिर यहाँ पे वो ही सब रिटर्न होते हैं, रिपीट होते हैं, नीचे कीर्तिमुख रिपीट होते हैं, लेकिन सबसे सुंदर कीर्तिमुख उस टेम्पल में दिखाएंगे आपको। यहाँ पे क्या है रेनोवेशन का काम ज्यादा है, यहाँ बाद में रिपेयर करना पड़ा। हाँ ये पूरा रिपेयरिंग वाला है। यहाँ पे देखिए विष्णु लक्ष्मी जी का है, विष्णु वाइफ लक्ष्मी दिखाई गई, ऊपर वराह का दिखाया गया था हमें इनका विष्णु के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे इसके पैर टूटे हुए हैं, बजे की अपने कंप्लीट पोस्चर है, लेकिन ना फ्लेक्सिबल बॉडी हुआ करती थी उस समय। यहाँ से पीछे एक बार टेम्पल को देख लीजिए आप, पीछे वाले टेम्पल को बड़ा सुंदर लगता है टेम्पल देखेंगे, ये टेम्पल में देखिए छोटे छोटे टेम्पल दिख रहे होंगे आपको, पर्टिकुलर टेम्पल में 84 टेम्पल थे इस तरह से जो बने हुए थे। ये टेम्पल की ऊंचाई बॉटम टू टॉप 31 मीटर हाइट का टेम्पल है, इसका नाम है कंदारिया महादेव टेम्पल, इसके बाजू में ये टेम्पल बना हुआ है जिसको खड़े हुए कहलाता देवी जगदम्बा का टेम्पल। देवी जगदम्बा के टेम्पल में पूजा होती है, रामनवमी के समय दुर्गा पूजा के समय इसमें पूजा हुआ करती है, पूरे साल बंद रहती है, खाली इसी समय हुआ करती है, बस उसी समय ही जाता है। हाँ क्योंकि आर्कोलॉजिकल के जितने भी मॉन्यूमेंट है उसमें किसी पूजा नहीं होती है। मूर्ति के खराब होने का डर नहीं, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। ये देखिए यहाँ पे ये वाली मूर्ति कितना सुंदर फिगर है, किसिंग करते हुए बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, छेनी हथौड़े से बनाई हुई मूर्ति है, फिर भी देखिए कितना सुंदर बनाया हुआ है। कहाँ नहीं मैडम आ रही बच्चों के साथ, देखिए यहाँ पे ये कॉर्नर वाला देखिए संभोग करते हुए दिखाई दे रहा है, देख रहा है, पर देखिए दीवार का सपोर्ट लिया उसका पैर देखिए आगे पहुंच गया है, और इसी के बाजू में देखिए यहाँ पे ये कौन से गॉड हैं,
देखिए यहाँ पे कौन से गॉड दिख रहे हैं, हाथ में देखिए मंगूस लिए हुए, हाथ में देखिए चक्र लिए हुए हैं, ये देखिए कुबेर का है, ये धन के गॉड होते हैं, ये डायरेक्शन गॉड होते हैं, हर दिशाओं के अलग अलग गॉड एंड गॉडेसेस होते हैं, ये डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन कहलाता है, नॉर्थ डायरेक्शन गॉड होते हैं वायु एंड कुबेर, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग हिमालय की तरफ पड़ता है, गंगा रिवर निकलती है इस साइड से नॉर्थ से, तो क्या है कि ये नेगेटिव एनर्जी न देके पॉजिटिव एनर्जी देती है, और साउथ फेसिंग दरवाजा शुभ नहीं माना जाता है, नॉर्थ फेसिंग शुभ माना जाता है, इसलिए नॉर्थ फेसिंग है। यहाँ पे देखिए ये वाला, ये थिंकिंग स्टाइल में खड़ी हुई लेडीज के सामने, ये थिंकिंग सोच रही है, कितने सालों में बनाया होगा? करीब 300 साल लगे बनाने में, 300 साल लगी जाएंगे, इतना बारीक है, एक एक आप किसी फोटोज में पता नहीं चलता, ये अद्भुत है, अद्भुत जाली है, बताइए सोचिए पत्थर के अंदर से जाली बनी हुई है, उसके पीछे भी देवता की मूर्ति रखी हुई है। देखिए कपड़े पहनने की स्टाइल देखिए आप, देखिए कितने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए, देखिए इस लेडीज को देख रही है, ये देखिए कितने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए, छोटी सी पट्टी ऊपर है, छोटा सा नीचे पैंटी दिखाएंगे, ये मतलब इस तरह कपड़े हजार साल पहले पहने जाते थे, ये नया नहीं है, नया नहीं है, पर्दा कहीं नहीं है, आप देखिए किसी भी लेडीज को देख लीजिए, चेहरे देख लीजिए किसी के, उठा के किसी के चेहरे पे आपको कोई फेस कवर नहीं मिलेगा, थोड़ा सा एक लेडीज के देखिए थाई के ऊपर स्कॉर्पियन चढ़ रहा है, देख रहा है, लेडीज कपड़े को रिमूव कर रही है, डिजायर्ड ऑफ द सेक्स, इसकी नाभि देखिए, नाभि के नीचे वाले हिस्से को देखिए, ऐसे लगता है सेविंग करने के बाद जो दाने निकल आते वो दिखाए गए, मतलब जो अपन सोच नहीं पाएंगे वो कारीगर ने हजार साल पहले देखी, सेविंग करने का जो दाने निकलते वो दिखाए गए, मतलब देखिए और चेहरे पे देखिए ऐसा लगता है वो एक्साइटेड हो रही है। अब इसके दर्शन कराइए टेम्पल, देवी जगदम्बा का टेम्पल, पार्वती का टेम्पल। तो यहाँ से हम लोग जो है आगे बढ़े तो यहाँ पे देखा हम लोगों ने कि माता के जो है मंदिर में पूजा करने की व्यवस्था है, वहाँ पे शेर है, शेर के बारे में उन्होंने बताया कि इस शेर के पास जो है यही सिंबल है चंदेला जो प्रथम राजाओं ने राज किया है वहाँ पे शेर बना हुआ है, और उसके बाद जो है हम लोग जो है मंदिर के अंदर के स्ट्रक्चर को देखने के लिए अंदर गए, तो अंदर भी छोटी छोटी मूर्तियों की जो है नक्काशी की गई है, आप सोच नहीं सकते कि इतना जो है डिटेल में सब कुछ बनाया गया है कि आप देखें तो आपको डिटेल में देखने में कई बार ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तब आप जो है डिटेल में हर चीज़ें समझ पाएंगे। वहाँ पे जो है आप जैसे ही हम लोग माता के मंदिर में अंदर गए तो वहाँ पे जो है मंदिर का जो है गेट सिर्फ कुछ दिन ही जो है पूजा के लिए खोला जाता है, बाकी ऑल टाइम बंद ही रहता है, तो हम लोग जब गए हुए थे दर्शन करने तो मंदिर जो है बंद ही था, लेकिन जो है मंदिर के उस जाली के अंदर से हम लोगों ने माता की मूर्ति की जो है फ़ोटो ली। आप वहाँ ऊपर देख सकते हैं कि किस प्रकार से डिटेल में सब कुछ बनाया गया है, और माता की जब मूर्ति को हम लोगों ने देखा तो ऐसी थी जैसे जीवंत मूर्ति हो। हम लोगों ने उसकी श्रृंगार की हुई फ़ोटो को भी जो है कहीं से अरेंज किया, तो वो भी आपके लिए जो है दिखा दे रहे हैं कि देखिए इस प्रकार से इस मूर्ति की पूजा अभी भी होती है। ये मकर तोरण है, मगरमच्छ का मुंह। यहाँ से हम लोग जो है खंदारिया महादेव में जो है दर्शन करने के लिए गए, जो मेन टेम्पल है जिसको अजंता एलोरा का जो है मुख्य आकर्षण माना जाता है, उसके अंदर जो है भगवान शंकर की जो है मूर्ति जो है विराजमान है, माता पार्वती की जो है मूर्ति के बगल में, वहाँ बगल में उनका मंदिर है, यहाँ पे जो है बगल में शंकर जी का जो है मंदिर है। वहाँ हम लोग जो है गए तो अंदर जो है दीवारों पर जगह जगह जो है नक्काशी की गई थी, और विभिन्न प्रकार की नक्काशियों को हम लोगों ने देखा, इतना डिटेल में नक्काशी की गई है कि आप सोच नहीं सकते
इन्हें सालों में जो है तैयार किया गया होगा, कम से कम 200-400 आदमियों ने तो बनाई होगा तब ये बन पाया होगा। और इतना डिटेल में हर मूर्ति बनाई गई है आप सोच नहीं सकते। आज आधुनिक मशीनों के माध्यम से भी ऐसी मूर्तियों को बनाने में सालों लग जाएंगे। यहाँ पे आप जिन मूर्तियों को देख रहे हैं आप देख सकते हैं, ये गंधर्वों की मूर्तियाँ हैं जो भगवान शंकर की मूर्ति के पीछे हैं। एकदम डिटेल में सब कुछ जो है रिकॉर्ड कर पाना उस छोटी सी जगह में मुश्किल पैदा कर रहा था, लेकिन तब भी आप देख सकते हैं कि कितना डिटेल में सब कुछ बनाया गया है। इस वीडियो के आखिर में यहाँ भगवान शंकर को हम लोग देखेंगे, बाकी अगली वीडियो